पुलिस वालों को चकमा देके जैस्मीन हुए जेल से फरार। जी हां, आपको बता दें जहां पर जैस्मीन की जो है कोर्ट की डेट आ रही थी कि उसको कोर्ट लेकर जाएंगे, उसके बाद उसको सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इसी बीच जो है शो डारिया में जैस्मीन ने जो है पुलिस वालों को चकमा देकर वो वहां से फरार हो गई, जहां पर एक पुलिस वाला भी उससे मिला हुआ था। अब जिसके बाद में एक बीटीएस वीडियो सामने आ रही है जिसमें जैस्मीन नेहमत के ऊपर वार करती नजर आ रही है, नेहमत को चाकू से मारती नजर आ रही है, यानी कि जैस्मीन फिर से अपने वही कांड करती नजर आ रही है, जहां पर नेहमत एकम एकम चिल्ला रहा है लेकिन एकम नहीं सुन रहा है, जहां पे नेहमत के नीचे जो है नेहमत जैस्मीन के पैरों के नीचे, जहां पर जैस्मीन उसके ऊपर पैर रख के खड़ी है और उसको चाकू से वार करती नजर आ रही है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब इसके बाद एकम कब आएगा, कब वो आकर नेहमत की जान बचाएगा, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। और आखिरकार जैस्मीन और क्या क्या बड़े काम करेगी ये आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें हरलीन की वापसी होने वाली है, जहां पर हरलीन की याददाश्त खो गई है। हरलीन अपना नाम तक नहीं जानती, उसे सिर्फ आलिया आलिया नाम याद है, वो हर किसी बच्ची को आलिया समझती नजर आ रही है। तो बहुत जल्द हरलीन भी मोगा में होगी, क्योंकि हरलीन जो है मोगा के ट्रक में बैठ गई है, टेम्पो में बैठ गई है, जिसके बाद में वो वहां जाएगी और वहां पे जाके अपने घरवालों का पता करेगी और कैसे घरवालों के सामने आएगी। और जब नेहमत के सामने हरलीन आएगी तब सभी लोग देखकर हरलीन को दंग रहने वाले हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप आने वाले एपिसोड्स के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।